हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमंत। फ्रेंड्स आपने देखो खासकर खासकर होली पर फ्रेंड्स लोग ऐसा रंग लगाते हैं आपके चेहरे पर कि भाई उन्हें लगता है कि चेहरा ही मिटा देंगे। तो फ्रेंड्स आज हवा बहुत तेज चल रही है, लगता है फ्रेंड्स मुझ जैसे पतले कमजोर आदमी को उड़ाकर ही मानेगी। अक्सर आपने देखा होगा आपको कोई फ्रेंड है, आपको कोई दोस्त है, भाई वो भगा भगा आता हाथ में रंग लेकर और भाई साहब आपके चेहरे फेंक कर मारता है, आपको चेहरा ही काला कर देता है। मतलब काला नहीं, काला मतलब जैसा रंग मारता है ऐसा रंग आपको चेहरा कर देता है। तो फ्रेंड इसका क्या सोल्यूशन है दूसरे से बचने का, भी काफी लोग बचना भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक ऐसा जुगाड़ लेकर आए इस वीडियो में, तो जो भी आपको रंग लगाएगा उल्टा उसके रंग लग जाएगा, यकीन मानो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो कम भी वॉच कीजिएगा, बहुत जल्द मजा आने वाला है इस वीडियो में। चले फ्रेंड्स चलते हैं टॉक पर, बहुत तेज़ लग रहा है मेरे को। समर एक्सपेरिमेंट। हाँ कितना सुकून मिलता है, आनंद आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने एक पीवीसी का पाइप है और आप जानते हैं मैं इसका करने क्या वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसकी शीट बनाने वाला हूँ, देखिए काफी जल्दी मैंने शीट बना ली है और अब काफी लोग मुझसे पूछेंगे समर शीट कैसे बनाते हैं, मत पूछिएगा मैंने काफी बार बता दिया है। यहाँ पर मैंने एक BLDC मोटर की एक प्रोपेलर ले ली है और फ्रेंड्स मैं इसके बाबा सर्कल कट करने वाला हूँ। इसका गोल चक्कर काटने के लिए कंपास का यूज करने वाला हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स ये प्लेट बनकर तैयार हो गया है। ओह तो समोसे ले गया मैं दिल पर, पिछला उधार तो दिया लगा तुझसे। अबे रहन दे, तैसे भी तेरे समोसे कौन खावे, भसे में समोसे भी है तू। और यहाँ पे एक 1.5 इंच की मैंने ये पीस कट कर लिया है PVC का, देखिए कैसे लुल्लू सा हिल रहा है देखिए। और इसका मैं बोर्ड बनाने वाला हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स थाली बन चुकी है और पिछले साल मोदी जी ने क्या कहा था याद है आपको? याद है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भी मोदी जी ने थाली को लेकर क्या कहा था। तो इस थाली के अंदर ये प्रोपेलर चल रही है, लेकिन फ्रेंड्स ये चली कैसे भाई, अगर चली तो हवा कहाँ से लेगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर छोटे मोटे होल कर देते हैं, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा होल करने हैं, जितने ज्यादा होल करोगे उतनी अच्छी हवा आपको मिलेगी। काफी सारे मैंने इसके अंदर होल कर दिए और फ्रेंड्स अब इसमें फिट करेंगे हम BLDC मोटर, देखिए क्या मस्त लगता है BLDC मोटर। लेकिन फ्रेंड्स इसे हमें वाटरप्रूफ भी बनाना है, तो भाई उसके लिए कैसे करेंगे मैं आपको वही बताऊं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल फिक्स, ज्यादा लूज नहीं करना, ज्यादा टाइट नहीं करना। इस BLDC मोटर को रोकने के लिए यहाँ पे मैं 2 इंच के PVC का पाइप का यूज कर रहा हूँ, आप 1.5 इंच के PVC का पाइप भी यूज कर सकते हो। ये डिब्बी मैंने बना दी है और अगर आप चाहो तो इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हो जो कि स्प्रे पेंट बोतल जो होती है उसका कैप है, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये निकल जाएगी, बहुत जल्दी छूट जाएगी। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने इसको बनाया, या आप चाहो तो इसकी जगह एंड कैप होती है उसका यूज़ कर सकते हो। अब इस मोटर को इस कैप के अंदर नट बोल्ट कैप से रोक देंगे। तो लीजिए ये बन चुका है और आराम से इस पे लगा देंगे, ये वाटरप्रूफ है इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और इसे अच्छे से चिपका देंगे। तो लीजिए भाई ये कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसकी भाई तक फेंकने की बन गई, काफी मजेदार चीज है। अब यहां पर चाहिए मुझे 3 इंच का PVC का पाइप। मैं बन जा, मैं क्या बना रहा है, सीट बना रहा हूं। ओ ऐसा ना फ्रेंड्स कि जहां पर PVC का पाइप देख लेता हूं सोचता हूं कि इसकी सीट बना लूं। इसकी हमें शीट नहीं बनानी है और इसकी लेंथ कितनी है मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं मोस्ट बेट एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें आप प्रेडिक्शन करके काफी सारे अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते ही आपको 25,000 रुपए बोनस के तौर पर मिलते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में से आप 150 गुना तक ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, सिंपली आपको इसमें डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और प्रेडिक्शन करना है। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा और 250 फ्री स्पिन मिलते हैं कैजिनो के लिए, उसका मिनिमम डिपॉजिट 300 रुपए। फ्रेंड्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर इसे डाउनलोड करिए और खूब सारे पैसे कमाइए। भाई इसकी लेंथ लेनी है लगभग 19 सेंटीमीटर, 21-22 तक भी आप ले सकते हो। तो लीजिए बिल्कुल मेरे तरह सीधा हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक 30 एम्पीयर का ESC, आपको पता है भी मैंने BLDC से मोटर लाया तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक चीज सर्वो टेस्टर देख सकते हो, काफी इजीली आपको मार्केट मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स मैं इसके आपको कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ पे देखिए S यानी कि सिग्नल प्लस और माइनस,
तो इन तीन तारों में येलो वाला सिग्नल का वायर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलिए देखिए इस तरीके से लगाना, आपको सिग्नल का आपको ऊपर की साइड रखना है। देखिए बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पर आपको देने अप्रोक्स 12 वोल्ट, वैसे 11 पॉइंट अप्रोक्स होता है जो कि 3S की बैटरी लगती है, लेकिन आप 12 वोल्ट दोगे तो भी चल जाएगा। अब इसके तीन वायर पर, तो इन तीन वायर को, इन तीन वायर जो कि मोटर के वायर है इन पर लगा देंगे, और बाई चांस अगर मोटर की डायरेक्शन उल्टी रही, ये उल्टा घुमा या जैसे आपको घुमाना हो, तो आपको फ्रेंड्स करना क्या, सिर्फ ये दो तार, ये जैसे सपोज कीजिए इस टाइम तीन तार है, कोई भी दो तार ले लीजिए कोई भी, जैसे ये आपको निकाल देता हूँ मैं, जो मैंने इसमें लगाया था वो इसमें लगा दूंगा और ये वाला उल्टा इसमें लगा दूंगा। लीजिए अब डायरेक्शन चेंज जाएगी। तो यहाँ पर सारा सिस्टम हो गया है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से फिट करते हैं। तो इसे लगाने से पहले यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच पे लगाना होगा। भाई इसे ऑफ कैसे करोगे, यहाँ पे तो उसमें एसपीएसटी स्विच ले रहा हूँ राउंड वाला, देख सकते हो उस तरह का, आप कोई भी स्विच ले सकते हो ऑन ऑफ करने के लिए। अब इसे पावर देने के लिए मैं तीन बैटरी लैपटॉप की होती है इनका यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने BMS लगा दिया है और फ्रेंड्स मैं इसे कनेक्शन काफ़ी बार बता दिए हैं, ये तीन बैटरी सीरीज में है और यहाँ पे 12 वोल्ट अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 12 वोल्ट ये यहाँ पर आउटपुट मिलेगा और इसका इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है। तो भाई ये कनेक्शन मैंने कर दिए, देखिए ये इसका पॉजिटिव जो कि ESC का है, यहाँ से क्या स्विच में सीधा, स्विच से क्या सीधा पॉजिटिव में, ठीक है, और ये नेगेटिव सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसका तो पता लग गया। अरे देखिए फ्रेंड्स इसे बैटरी को चार्ज करने के लिए DC सॉकेट की जरूरत होगी, तो यहाँ पर मैंने एक DC सॉकेट लगा दिया और इसका डायरेक्ट जहाँ से इनपुट होता वहीं से आउटपुट होता है सेम इसका लगा दिया है। अब चलिए ऑन करके देखते हैं, स्विच ऑन करूँगा, ठीक है, सही चल रहा है। और अब मैं इसे सारे को फिट कर दूंगा बैटरी पर या BMS पर। मैंने ये पेपर टेप का यूज़ किया है जिससे फिर अंदर धुंधला का शॉर्ट सर्किट ना हो, आपस में झगड़ा लड़ाई ना हो। तो देखिए सब करेक्शन मैंने ढक दिए हैं और अब मैं इसे लगा दूंगा। तो लीजिए फ्रेंड्स ये बन चुका है और भाई साहब देखिए स्विच यहाँ रखा मैंने और चार्ज सिस्टम थोड़ा ऊपर रखा है। अब मैं इसे नीचे रखूँ इससे कि ज़्यादा इस पर कोई भी धूल मिट्टी या रंग ना आए। तो इसे फ्रेंड्स पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो मैं भून दूंगा, मतलब चने भून दूंगा, सारे चने भून के मैं खा जाऊंगा। चले फ्रेंड्स इसे रोकने का जुगाड़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर ले लिया मैंने एक इंच का एक PVC का पाइप, इसे फ्रेंड्स पे हैंडल के तौर पर यहाँ लगाऊंगा। यहाँ पर मैंने वायर इधर से निकाल लिया है और यहाँ पर अच्छे से ग्लूगन लगा दी है जिससे भाई निकले नहीं और इसके अंदर पानी भी ना जाए। देखिए अच्छी तरह से मैंने ग्लूगन चिपका दिया है और आप आते हैं इसके बैक पर। तो भाई इसके बैक की ढक्कन में चिपका देते हैं फटाफट। भाई ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए ग्रे कलर लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा भाई क्यों ना इस पर कलर कर दे, साथ सज्जा कर दे, ब्यूटी पार्लर ना ले जाकर घर पर ही कर दे। तो देखिए यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स सर्वो टेस्ट उसे ढक दिया टेप से और यहाँ पर देखिए सब चीज़ मैंने ढक दिया है टेप से और फटाफट इस पर मैं कलर कराऊँ, मैं रेड कलर करूँ जैसा आपको अच्छा लगा आप ऐसा कर सकते हो। लीजिए फ्रेंड्स ये भाई ये बनकर तैयार हो गया है और कलर आई थिंक भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स कमेंट कर बताइए और आप कौन सा कलर करते। चलिए दोस्तों फटाफट से प्रोपेलर भी चिपका देते हैं। तो लीजिए दोस्त ये बन चुका है, चलिए फ्रेंड्स इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो भाई अभी मैं घर के अंदर टेस्ट करता हूँ अपने बालों पर कि कैसी हवा आ रही है। चल चुका है, नहीं देखिए हवा नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो भाई तो क्या कर सकते हैं बताओ, प्रोजेक्ट खराब हो गया। हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही देखिए, जबकि प्रॉपेलर बिल्कुल ठीक है, इधर की साइड घूम रही है, लगता है फ्रेंड्स ये हवा नहीं ले रहा, पीछे से भाई हवा लेगा तभी तो मुझे हवा देगा। तो भाई यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना होगा इस प्रोजेक्ट में। चले फ्रेंड्स करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स भाई काट दिया देखिए इस तरह से, अब भाई ये भर भर के हवा लेगा और भाई ऐसा लगता है कि मैंने मतलब पंखा बना दिया दिखा है लगता था यार। चले फ्रेंड्स अब टेस्ट करते हैं, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और देखिए देखते हैं भाई हवा करेगा नहीं करेगा। भाई साहब एकदम देखिए मेरी शर्ट देखिए
गया भाई साहब, लेकिन मैंने फ्रेंड्स बहुत जल्द तेज हवा दे रहा है, मतलब गर्मी में तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, रोली काट देगा, हल्ले काट। चले फ्रेंड्स अब इसकी टेस्टिंग पर आते हैं। तो चले फ्रेंड्स इसे टेस्ट करते हैं। काफी लोग मुझसे कहेंगे समर भाई तूने हाई स्पीड पंखा क्यों बनाया। फ्रेंड्स नंबर वन, एक तो ये पानी बचाएगा होली के दिन, दूसरा दोस्त आप इसे प्रैंक कर सकते हो। सपोज की थाली में बहुत सारे कलर रखे भाई, तुरंत जाइए चालू कीजिए, मतलब चालू पहले कर लेना भाई ना, पिटाई बहुत हो सकती है। तो भाई सपोज कि यहाँ पर बहुत सारी थाली रखी है जिसमें कलर भरा हुआ है बहुत सारा, या कोई भी कलर हो फ्रेंड्स, चलिए इसे ऑन करते हैं, सामने को जाना है तुरंत। तो फ्रेंड्स काफी अच्छी इसकी हवा है, एकदम से तुरंत बहुत ज्यादा हवा तेज फेंकता है। और सबसे अच्छी बात तो भाई है कि बहुत दूर तक फेंकता है। और भाई दूसरा काम इसके, सपोज कीजिए आपके ऊपर कोई कलर फेंकता है इस तरीके से, तो फ्रेंड्स आप इसे ऑन कर दीजिए, चला दीजिए, ओके माय फ्रेंड्स, सारा सारा कलर उसके ऊपर उल्टा चला जाएगा क्योंकि आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हो। अब आपको क्या समझ ये पानी कैसे बचाएगा, तो फ्रेंड्स आप गीले नहा के सूखे कलर का यूज कर सकते हो। ऐसा करते हो लोग फ्रेंड्स, नया जमाना आएगा, थोड़ा सा नया कर लेते हैं। तो सारा कलर गायब। तो फ्रेंड्स आई होप ये गैजेट आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ मुझे जो बताया दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी। हैप्पी होली दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।